नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब वेल प्लान के एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा जो बहुत समय से लंबित थी और लगातार मांग की जा रही थी एग्जाम्स को लेकर, और लगभग दोस्तों जो कोरोना की महामारी आई उसके बाद भी दोस्तों जो 19 सितंबर को है वो एग्जाम्स फाइनल है, तो उसके एडमिट कार्ड को लेकर जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी कर दिए गए हैं। COVID-19 के लेकर क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, चाहे वो अपेयरिंग हो, सारे इशूज़ के बारे में जो एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन हैं उसमें सारी बातें क्लियर की गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो डाउनलोड एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पूरा कंप्लीटली अपडेशन हो चुका है। दोस्तों, तो मैंने ये जो लिंक है RSSMB की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है PDF, तो इस PDF को चलिए हम देखते हैं वन बाय वन, सारे इश्यूज को मैं आपके क्लियर करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों 700 पदों के लिए जो ये विज्ञापन था वो आमंत्रित किए गए थे, आवेदन उसके बाद जो है कंप्लीट आवेदन हुए, उसके बाद इसकी जो परीक्षा की तारीख है 19/9/2020 11 बजे से 2 बजे तक एग्जाम्स का आयोजन विभिन्न जिलों में किया जाएगा। मतलब इस बार दोस्तों सेंटर पहले की अपेक्षा बढ़ेंगे, निश्चिंत ही आपको नजदीकी जिला लगभग मिल जाएगा, संभाग स्तर पर कम से कम मान सकते हैं, लेकिन उससे आगे भी शायद सेंटर जा सकते हैं, उसका अपन अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये कम्प्लीटली बात कर ली गई है, आवेदन ये सुनिश्चित कर ले बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता व शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। यहाँ बात कहीं ना कहीं जो अपेयरिंग वाले हैं उनके लिए है, क्योंकि जो एग्जाम्स का डेट है, उस जो एग्जाम परीक्षा देती है उससे पहले पहले आपका रिजल्ट कम्प्लीटली आ जाना चाहिए जो विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर उसके लिए रखी गई है, आपको सुनिश्चित कर लेना है। उसके बाद आप कोर्ट कचहरी वगैरह कुछ उसके पीछे करा नहीं पाएंगे, ये बोर्ड ने पहले ये स्थिति क्लियर कर दी है। अगर एडमिट कार्ड के लिए बात करें यहाँ पर दोस्तों 12/9/2020 को जो आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ जाएंगे वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको जो परीक्षा केंद्र वगैरह का है पूरा एड्रेसेस पता पड़ जाएगा और वहां से आप अपने जाने की तैयारी कर सकते हैं। आपको सेंटर पर 1.5 घंटा पहले पहुंच जाना है, मतलब आपको जो एग्जाम्स है उसके 1.5 घंटे पहले आपको वहां पहुंचना है। 11 बजे एग्जाम्स है तो आपको 9 बजे के आसपास अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। COVID-19 के कारण जो है आपको सामाजिक दूरी है, जो व्यक्तिगत दूरी है वो बनाए रखनी है। आपको दोस्तों देखिए मास्क लगाकर जाना अनिवार्य है, बिना मास्क के वहां आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखें। DLED के जो अभ्यर्थी थे उनके साथ भी बहुत बड़ी समस्या हुई थी वहां पर, तो आपको मास्क लगाकर सेंटर पर जाना है। उसके बाद आपको जो छोटा हैंड सैनिटाइजर है, उसके बाद तापमान माप की व्यवस्था की जा रही है, तो इसलिए अपेक्षित सहयोग करें वहां पर जो लाइन में लगाकर आपसे जो चेकिंग वगैरह की जाएगी तो उसमें आपको सहयोग करना है। और दोस्तों, अपना जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट निकाल कर ले जाइए, एक पहचान पत्र ले जाना, आधार कार्ड से लेकर सब कुछ आ गया, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस 2.5x2.5 सेंटीमीटर, एक रंगीन फोटो ले जाना, नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर पारदर्शी बॉल पेन मांगा गया है, तो इस बात के लेकर आपको वहाँ पर दौड़ भाग न करनी पड़े, इसलिए पूरा आप ध्यान रखें, पारदर्शी बॉल पेन के साथ आपको वहाँ पहुँचना है। फोटो युक्त पहचान पत्र है वो ले जाना, निश्चिंत ही सुनिश्चित करें। आपको घड़ी वगैरह कुछ भी ले जाने नहीं दिया जाएगा वहां पर, ज्योमेट्री बॉक्स, पाउच, पेन ड्राइव, रबर संबंधित पूरी नीले रंग के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का पेन, पानी की बोतल वगैरह नहीं ले जाने दी जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ड्रेस कोड भी जारी की गई है, पूरी अभ्यर्थी जो है वो आधी आस्तीन का शर्ट, टी शर्ट, पैंट, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर आएंगे, मतलब जूते भी अलाउ नहीं किए गए, लेकिन मास्क आपको अनिवार्य तो पहनना है। महिला अभ्यर्थी हैं वहाँ आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर, बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर, मास्क भी आवश्यक रूप से पहनकर आवे। तो आपको इस प्रकार से पूरी जो ड्रेस कोड है इसका पालन करना है, कानों के बालियाँ वगैरह, जो शॉल वगैरह, मफलर, इस प्रकार का कोई अलाउ वहाँ पर नहीं किया जाएगा, तो आपको कम्प्लीट ड्रेस कोड का पालन करना है। तो दोस्तों, ये तो थी RSSMB की तरफ से जो विज्ञप्ति की पूरी जारी कर दी गई है, तो आपको इन इंस्ट्रक्शन को पालन करके अच्छे से एग्जाम्स दीजिए, हमारी तरफ से वो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। इस रिलेटेड कुछ इश्यूज है कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेट यहां से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं।